हे गाइस, वेलकम टू ब्रोटोमोटिव। मैं हूं आपका उस परीक्षित। आज के वीडियो में मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ भी है और एक बैड न्यूज़ भी है। ये मैं आपके साथ वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। पहले मैं आपको दिखा देता हूं आज का हमारा प्रोजेक्ट। चेंज हुआ है ना, देख नहीं मारा हुआ। ये हेडलाइट दोनों चेंज है, फ्रंट एंड ये ग्रिल वगैरह चेंज है, पूरे बम्पर भी चेंज है, दोनों आगे पीछे बम्पर इंपैक्ट हुआ अंदर से। ये यहाँ पे पूरा ये डैमेज है। हाँ, तो एक्सीडेंट हुआ है ना सामने से। हर एक पैनल की रीडिंग लेके कस्टमर को भेजी है, वहाँ पे क्यों स्ट्रिपी कर रहे वो भी बता दिया उनको। ठीक है, यहाँ ज्यादा है रीडिंग, यहाँ पे ज्यादा है, बेस वर्क बहुत ज्यादा हुआ है, वहाँ पे दिख ही नहीं रहा है जगह पे। हाँ, रीडिंग ही नहीं ले रहा। 1635 उसके थोड़ा नीचे रीडिंग जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 100 से 150 के बीच में, और यहाँ पे रीडिंग ही नहीं ले रहा। रीडिंग ही नहीं ले रहा वहाँ, यहाँ पे ले रहा है आया 1921 1500। रनिंग बोर्ड पे हैवी डैमेज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये साइड अपने को पूरी स्ट्रिपिंग करनी है राइट। यहाँ पे रनिंग बोर्ड पे हैवी डेंटिंग है। ठीक है, ओके। तो आज जो हम प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे वो होने वाली है ये होंडा सिटी। होंडा सिटी इज वन ऑफ माय फेवरेट कार्स, मुझे इसका लुक बहुत ज्यादा पसंद है। गाड़ी का शेप थोड़ा रफ है, पहले से रिपेंटेड भी हुई है, और यहाँ पे शायद मेरे ख्याल एक्सीडेंटल डैमेज हुआ होगा, तो बेसवर्क बहुत हैवी किया हुआ है। तो ये साइड हम पूरी स्ट्रिप करेंगे बेयर मेटल तक, और फ्रंटल भी इम्पैक्ट था गाड़ी पे, तो जिस वजह से बॉनेट मेरे ख्याल रिप्लेस किया गया है। रीडिंग ओरिजिनल आ रही है, बट पेंट की क्वालिटी थोड़ी खराब है। तो इस गाड़ी पे हम करने वाले बहुत बहुत ही स्पेशल सा कलर जो होने वाला है लेक्सस का, क्या नाम है, पर्ल व्हाइट सोनिक। नाम किसी को भी यहाँ पता नहीं है अभी तक, गजब बेइज्जती है। उसके साथ साथ हम करने वाले हैं इसके अलॉय व्हील पेंटिंग, और बहुत ही सुंदर सा एक इंटीरियर कस्टमाइजेशन। अभी इसका इंटीरियर जो है वो थोड़ा डार्कर ग्रे और बेज शेड में है, इसको हम थोड़ा डिफरेंट करेंगे, अभी कस्टमर से वो डिस्कशन करना बाकी है। साथ ही साथ हम इसमें जो जो पार्ट्स रिक्वायर्ड है, जैसे हेडलाइट फूटी हुई है, बम्पर स्क्रूड है, ये सब चीजें चेंज करेंगे, और इसमें हम थोड़ा सा एक बॉडी किट का एक्सटेंशन भी ऐड कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले बात कर लेते हैं स्पॉन्सर की। This video is sponsored by Budmo. Budmo are the online experts when it comes to spare parts. आप budmo.com पर जाकर अपनी गाड़ी के genuine spare parts घर बैठे खरीद सकते हैं। Budmo has one of the largest catalogs for spare parts, चाहे आपके पास एक छोटी गाड़ी हो या फिर एक लग्जरी गाड़ी हो। Budmo अपने सप्लाई किए हुए स्पेयर पार्ट्स पर 10 डे की अश्योर्ड रिटर्न पॉलिसी भी ऑफर करता है। यू कैन चेक आउट देयर वेबसाइट एंड ऑल्सो डाउनलोड देयर ऐप, इट्स अवेलेबल ऑन एंड्रॉयड एंड iOS बोथ। तो हम लोग जितनी भी प्रोजेक्ट कार्स पे काम करते हैं हम लोग अपॉइंटमेंट बेसिस पे करते हैं। डिटेलिंग की अगर मैं बात करूँ तो यूजुअली 5 to 7 days हम लोग के पास बुकिंग रहती है एडवांस में, बट अगर पेंटिंग की बात करूँ तो कभी कभी 2 से 3 महीना भी बुकिंग हो जाती है। ये गाड़ी आई हमारे पास रीवा MP से, क्लाइंट जो है वो डॉक्टर है, उन्होंने हमारे पास गाड़ी सीधा भिजवा दी थी, उन्हें अपॉइंटमेंट सिस्टम के बारे में मालूम नहीं था। तो ये गाड़ी काफ़ी टाइम हमारे वर्कशॉप में खड़ी रही। आई थिंक उन्होंने जब ये गाड़ी खरीदी थी तो वो चाहते थे व्हाइट कलर की लेना, पर उन्हें मिली नहीं। तो उन्होंने हमें पहले से बोला था कि मेरे को गाड़ी जो है वो रेड से वाइट करनी है, वाइट इज द कलर आई लाइक। साथ ही साथ इंटीरियर जो है गाड़ी का मैं वो टैन एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में करना चाहता हूँ। मनीष, मेरे हिसाब से काम कर, देख मेरे को जितना समझ में आ रहा है ये पूरा पोर्शन जो घसा है, हाँ तो ये भी पूरा घसा होगा राइट। ये काम हुआ है तो यहाँ पे भी पुट्टी अच्छी खासी भरी होगी। ये स्ट्रिपी जो ले रहे हैं ना, ये पूरा आधा यहाँ रनिंग बोर्ड तक ले ले जहाँ तक डेंट लगा हुआ है। तो कल को ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना किया और इसके लिए फिर प्रॉब्लम आए। ठीक है, तो ये यहाँ तक स्ट्रिपी कर पूरा, और थोड़ा और स्ट्रिपी लगा ले इधर, भर भर के पुट्टी भरी है, किलो किलो भाव में पुट्टी भरी है, मुस्त पुट्टी।
भेज रहे कस्टमर को भेज रहा हूँ पेंट स्ट्रिपिंग एंड प्रोसेस होंडा सिटी इसको बॉडी किट भी डाल रहे हैं ना हम तो किट में जो पार्ट्स आते हैं एक फ्रंट और रियर बम्पर के एडिशन हैं और रनिंग बोर्ड के भी दो पार्ट्स आते हैं तो अभी इसको गाड़ी पे हम फिट करेंगे ट्रायल करेंगे कैसा बैठता है लेट्स गो क्लाइंट के साथ मिलकर हमने डिसाइड किया कि गाड़ी का जो रूफ है वो हम ब्लैक में करेंगे और साथ ही साथ इसके जो अलॉय व्हील्स है वो भी ब्लैक में करेंगे आई थिंक एंड प्रोडक्ट का फिनिशिंग बहुत ही अच्छा है तो इस गाड़ी का एक्सटीरियर का जो कलर है वो तो है ही बहुत यूनिक बट इस गाड़ी का जो इंटीरियर है वो पर्सनली मुझे इस गाड़ी के एक्सटीरियर से भी ज़्यादा बेटर लगा है। इंटीरियर का पूरा शूटिंग तो हम आपको नहीं करके दिखा पाए क्योंकि साइमल्टेनियसली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे तो कई कई चीज़ें जो है वो शूट करना रह जाती हैं बट वीडियो के अंत में आप देखेंगे कि वो कितना अमेजिंग लग रहा है टैन एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन साथ में
मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अभी बात कर लेते हैं उस गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ के बारे में जो मैंने इस वीडियो के शुरुआत में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। तो गुड न्यूज़ ऐसी है कि हमारा फ्रेंचाइज मॉडल अब फाइनल हो चुका है। हम लोग सारी कॉस्टिंग्स वगैरह पे वर्किंग कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट काफ़ी है ऑब्वियसली एक बड़ा स्टोर सेटअप करने के लिए, बट आई थिंक जो लोग इंटरेस्टेड हैं और एक्साइटेड हैं हमारे साथ काम करने के लिए उन्हें प्रपोजल बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया हम ब्रोटोमोटिव ब्रांड को फैला सकें और सब लोगों को ये अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। अब इस गुड न्यूज़ के साथ एक बैड न्यूज़ भी है। बैड न्यूज़ ये है कि क्योंकि हम ये फ्रेंचाइज मॉडल पे वर्क कर रहे हैं तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हम हर जगह सिमिलर काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें और एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रख सकें। तो कई सर्विसेज ऐसी हैं जो हमारी हीरो सर्विसेज हैं और कई सर्विसेज ऐसी हैं जो सब जगह नहीं दी जा सकती। उनमें से एक है इंटीरियर मॉडिफिकेशन की सर्विस। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो होंडा सिटी हमने आज आपको दिखाई है, दिस हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट इंटीरियर जॉब्स दैट वी हैव डन टिल डेट। एंड जब हमने गाड़ी पूरी फाइनल की तो हम लोग यही सोच रहे थे कि हमें ये सर्विस कंटिन्यू करनी चाहिए, बट अभी के लिए हमने इसे इसलिए पोस्टपोन किया है क्योंकि धीरे धीरे एक सर्विस दो सर्विस से शुरू करके अलग अलग सिटीज़ में जब आउटलेट खुलेंगे, आगे चल के जब हर सिटी में हम इंटीरियर मॉडिफिकेशन की सर्विस दे पाएंगे तब इसे हम रिज्यूम करेंगे। तब तक के लिए द सर्विसेज दैट वी आर गोइंग टू प्रमोट इज गोइंग टू बी सिरामिक कोटिंग, PPF, रैप्स एंड पैनल पेंटिंग्स एंड फुल पेंट जॉब्स। ये पूरा फ्रेंचाइज मॉडल कैसे काम करने वाला है और हमारा एक्सपेंशन प्लान क्या है ये मैं आगे कुछ डेडिकेटेड वीडियोस बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अभी के लिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू ब्रोटोमोटिव। हैव अ गुड डे।